जोहार झारखंड रांची आप जारबर में आपका स्वागत है। रांची में छोटे स्टाम्प के किल्लत से लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं। एक ओर सरकार के दावे हैं और व्यवस्था है एक रुपये में जमीन का निबंधन महिलाओं के नाम पर, परंतु क्या एक भी भूमि निबंधन के लिए वास्तविक कीमत एक रुपया का स्टाम्प लगा है? नहीं, क्योंकि एक रुपये से पाँच रुपये तक का स्टाम्प लोगों के लिए उपलब्ध नहीं। वहीं दस रुपये का स्टाम्प लेने के लिए 50 से 60 रुपये तक का भुगतान लोगों को करना पड़ता है। आखिर सरकार कब लोगों को वास्तविक मूल्य पर स्टाम्प उपलब्ध कराएगी? मैं मनोज कुमार झा जोड़ा तला बरियातू का रहने वाला हूँ। आप ई स्टाम्प लेने के लिए आए हैं, क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी ये है कि पहले जो मान लिया कि ऑनलाइन होने के बाद कि काफ़ी सुविधा हो गया, लेकिन 20 रुपया के स्टाम्प में अगर 60 रुपया पे करना पड़ता है, 30 रुपया चालान कटाने में और 30 रुपया यहाँ देंगे, 20 रुपया के स्टाम्प प्लस 10 रुपया स्टेशनरी चार्ज, तो इसमें हमको फैसिलिटी क्या मिला? अगर हम 20 का स्टाम्प लेकर के और हम 40 रुपया अगर ज़्यादा खर्च करें तो पब्लिक को इसमें सुविधा क्या मिला? ये तो सरासर लूट है। मेरा नाम प्रभात रंजन मिश्रा हूँ जी। ई स्टाम्प लेने में आपको क्या परेशानी हुई? ई स्टाम्प लेने में परेशानी है कि 10 रुपये शुल्क बताया गया कि 10 रुपये में आपका ई स्टाम्प इजी वे में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। 10 की जगह 40 रुपये चार्ज किया गया स्टाम्प निकालने के लिए और एक्स्ट्रा 10 रुपया स्टेशनरी चार्ज के रूप में, कुल मिलाकर 10 रुपये का स्टाम्प 50 रुपये में मिल रहा है। और धन्यवाद सारी नुकसान है।